आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में राई दामोदर भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में दो माँ बेटियाँ रहती थी। बेटी का नाम था राई, वह बहुत ही सुंदर और सुशील थी, भगवान कृष्ण जी की परम भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण जी उसकी परीक्षा लेने हेतु डांसरिया बेचने वाले बनकर आए और आवाज देने लगी। राई अपनी माँ से बोली, माँ मुझे भी डांसरिया चाहिए। माँ बोली, मेरे पास पैसे तो नहीं है, मैं पैसे कहाँ से लाऊं, यह बाजरी ले जा। वो बाजरी लेकर गई। बाजरी के भगवान ने फूंक मारी तो फूस उड़कर राई की आंख में गिर गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहां से अंतर्धान हो गए और वेद का रूप धारण कर वहां आ गए और आवाज देने लगे। राई की माँ बाहर आई और वेद जी से बोली कि मेरी बेटी की आंख में फूस गिर गया है, कृपा करके उसे निकाल दीजिए। भगवान बोले, अगर मैं फूस निकालूं तो इसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल 11 के दिन विवाह निश्चित किया गया। माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूंगी। सोने की दुकान पर जाकर बोली कि मेरी राय के लिए लौंग व बिछिया घड़ दो। सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने घर रहा हूँ। हलवाई वे बनिया, वो जहाँ पर भी गई उसको यही जवाब मिला। माँ तो घर आ गई, अब क्या करे। वो घर आई, झोपड़ी में महल में बदल गई, आनंद हो गया और ठाण से विवाह की तैयारियाँ होने लगी। भगवान बारात लाए, माँ ने खूब ठाट बाट से राई का विवाह भगवान कृष्ण जी के साथ कर दिया। भगवान राई को लेकर द्वारिका गए तो राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियाँ चिढ़ने लगी, सावन में राई पीहर गई। भगवान ने सोचा, राई के तीज भेजूं, 7 जरी का बेस व 5 सोने के पचेटे रखे। 2 हंसों को बुलाया, वह सीधे राई के पीहर जाना, कहीं मत जाना। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुलाकर कहा, थोड़े मोती चुग लो। हंस आ गए और मोती चुगने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकालकर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए और पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेकर राई के पास गए। राई खुशी से नाचने लगी, लेकिन जैसे ही पोट खोली, 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई यह सब देखकर बहुत दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तो भगवान लेने आए। राई से बोले तो वह तो बोले ही नहीं, भगवान आए तो राई दूर दूर हो जाए। भगवान ने सोचा, कोई बात नहीं, राई फिर भी नहीं बोले। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में जिमाती, भोजन में जही जहूर देती। एक दिन भगवान बिल्ली बनकर दही खा गए। राई ने कहा, अब दही कहाँ से लाएं। भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आए। राई नीचे जाकर थोड़ा दही लेकर आई। गुजरी रूपी भगवान बोले कि राई तुम उदास क्यों हो, हमने सुना आप तो भगवान से भी नाराज हो। राई बोली कि तुझे क्या मतलब, तू यहाँ से जा, तूने दही दे दिया तो तेरा काम खत्म हो गया। तो गुजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली जैसी हैं, तो मन की बात कहो, मैं किसी से नहीं कहूँगी। राय ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को आश्चर्य हुआ और वे असली रूप में आ गए और बोले, ये कैसे हुआ, मैंने तो जरी का बेल और सोने के पचेटे भेजे थे। हंसों को बुलाकर भगवान ने पूछा कि तुम कहीं रुके तो नहीं।
हंस बोले, राधा रुक्मण के महल में रुके और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो बोली, आप हमारे महल में नहीं पधारे इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमें प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन पतित्यार्थ राधा रुक्मण को व 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबका मान दिया, सबको सब कुछ दिया। हे भगवान, राधा रुक्मण राई को मान दिया वैसा सबको देना। घरती को पूरी कीजो, पूरी का पान धर लीजो, भल चक्र माफ कर जो। तो कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले, सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान और राय दामोदर भगवान राधा रुक्मण जी की जय हो।